संपन्न हो जाते हैं ना। विद्या वेद का दान संग देकर अविद्या का नाश हो जाता है। ये अविद्या का नाशक परमात्मा है, वो विद्वानों को विद्वानों के अंदर प्रकट होता है इस विद्या के साथ, यानी ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों एक ही होते हैं ना, एक साथ विद्वान में प्रकट होते हैं। जब विद्वानों से कोई विद्या सुनता वेद की, तब अविद्या का नाश होता, तब अर्थ धर्म काम मोक्ष मिलते हैं, तो नहीं है ना। पापी निंदक दुष्ट संहारक, पापी निंदक दुष्ट संहारक, शरणागत का तो सदा सहायक, तुझ सा कोई हो ना कभी फसल है,
मक्की की फसल है, बाजरे की, जो भी है दालें हैं, सबका वर्णन योल में मैं करता रहता हूँ। कई बार सुना आपने आहुतियाँ, ये सब ईश्वर ने बनाई, उनके नाम भी बता दिए कि ये मैंने रचना करी है, ये खाने के लिए है। तो पालना कर रहा है, दूध घी दे करके। तो ईश्वर की डेफिनेशन अनंत है। एक डेफिनेशन ये भी है कि जो रचना करता है ईश्वर, जो रचना करता है संसार की, उसको ईश्वर कहते हैं। अगर आपने कोई ईश्वर अपना बना रखा है तो पहले ये सोच लो कि क्या तुम्हारे ईश्वर ने संसार की रचना करी है। और दूसरी ये है कि वो पालना करते हैं। अब देखो, पालना करता है ना, घी दिया, दूध दिया, पानी दिया, अन्न दिया, सारा कुछ तो दिया। वो कहता यज करो, मुझसे मांगो, मैं और ज्यादा दूंगा। उसमें है ना कि अन्न आदि मैं और दूंगा। कोई मांग ही नहीं रहा उससे तो वो क्यों दे, है ना? मांग ही नहीं रहा तो क्यों दे। तो ईश्वर की बहुत डेफिनेशन है। एक ये है कि वो रचना करता है, एक ये कि पालना करता है, एक ये कि संहार करता है। अच्छा, अब पालना कर रहा, मान लिया, सोच जरा, कोई आ गया जन्म लेके, तो ईश्वर ने उसे जन्म दिया, उसकी पालना कर रहा। छोटा सा बच्चा जब वो जन्म लेगा, उसको दूध देगा, भगवान का दिया हुआ दूध है, वहाँ माता उसको दूध देगी, बड़ा होके भी दूध घी खिलाएगी, रोटी खिलाएगी। ईश्वर पालना कर रहा है, उसका शरीर बन रहा है। वो भगवान नहीं हो सकता है ना। भगवान तो वह है जो पालना करता है, भगवान तो वह है जिसका शरीर नहीं है, भगवान तो वह है जो अजन्मा है, अज एक पादा काले नान बच्चे का। पहले ये डिसाइड करो पूजा से पहले कि ईश्वर किसको कहते हैं, व्हाट इज द रियल एक्चुअल फैक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड टू हूम वी हैव टू वर्शिप। उसकी डेफिनेशन क्या है, ईश्वर किसको कहते हैं। हम ये नहीं सेट कर पाते कि ईश्वर किसको कहते हैं। जिसने जो बताया वो पूजा करते हैं, वो हम खता खा जाते हैं। ये बड़ा लंबा भजन है, तो गाता में कमी, लिखने में तो काफी आ जाते हैं। ये भजन जब लिखा था बड़ा लंबा, हर भजन तो गाता में थोड़े थोड़े ही हूँ, ये आखिरी आखिरी गालो है ना। चलो ये भी गाओ, बार बार तू जन्म मिलावे। ये भी कौन उसका कि वो जन्म तो देता और किसी के हाथ में नहीं है, ये एक ईश्वर के हाथ में है। तुझ सा कोई हुआ ना कभी होगा, बार बार तू जन्म मिलावे, बार बार तू जन्म मिलावे, मात पिता का दर्श करावे, मात पिता के नहीं हो सकते। ईश्वर के गुण ये हैं, भिन्न भिन्न योनि में डालता कर्म अनुसार, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कुत्ता बिल्ली खा रहे हैं। ये भी गुण कितना महान है। देखो, धरा से जल ले नभ पहुंचाया,
जले जले में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली नजर ने पहचान की। जले जले में है भगवान की, किसी सूझ वाली नजर पहचान। निगाह मीरा की निराली पी गई जहर पियाली, निगाह मीरा की दुनिया की बहुत बातें सही उसने, अपने राह पे चलते रहे, किसी की परवाह नहीं करी उसने। जब एक लक्ष्य हमारे सामने सच्चा है, दुनिया जो मर्जी बोले आपको बुरा नहीं लगेगा अगर आपका आपने लक्ष्य को संभाल लिया। ये मेरा लक्ष्य, आपका लक्ष्य हिलजुल रहा है आपको, उसने मुझे यूं कहा, उसने मुझे यूं कहा। अरे भाई, दृष्टा नु सर्वक विषय मिथणस्य वशीकार संज्ञा वह राग दिया, देखे सुने का असर नहीं होना चाहिए। अब इतना तो ग्राहक आना जरूरी है कि हमारे भी कुछ बोले और देखे कुछ कहे उसका असर नहीं होना चाहिए, अपने मार्ग पे चलो। तो मीरा की भी निगाह निकाल ली थी, उसको जितना भी तड़पाया, जितना भी उसको पनिशमेंट दिया, जो भी दुख दिया उसे, वो अपने रास्ते पे चलती रही ना। तो ऐसी ऋषियों की निगाह निराली। ये जो स्टैंजा लिखा मैंने भगवान का नाम लेके, इसमें याग्रव ऋषि का अनुभव मैंने डाला है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखो क्या कमाल लिखते हैं, ईश्वर सब जगह नजर आता है। वो कह रहे हैं कि ये कौन है समुन्द्र में और अपने पीठ पे मशक पानी की, और उस मशक को भर कर पानी से समुद्र गए, और वो जा रहा ऊपर, और ऊपर खाली करके मशक को फिर नीचे आ गया, फिर भर के ले जा रहा, ये कौन? वो भगवान कहते भगवान ने कैसी व्यवस्था करी। देखो पानी ऊपर इकट्ठा करके और एक समुद्र बना दिया नभ में। आप इसकी चित्रकारी, इसकी रचना भगवान की, इसकी ऐसी कमाल की शिफ्तें कि आकाश में नभ में सबसे बड़ा समुद्र वहां है, यहाँ सात समुद्र का भी पानी इतना नहीं है जितना उधर है। ये ऋग्वेद के वाक, यजुर्वेद के वाक है कि सबसे बड़ा समुद्र जो है संसार का वो नभ में है। अब हमारे यज्ञ की सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम दुनिया यज्ञ करें तो वहां से अमृत वर्षा पानी की होए। अब हम यज्ञ नहीं करते तो फिर वहां पानी इकट्ठा होता जा रहा है और यज्ञ नहीं करते। देखो धरा से जल लेना भू पहुंचाया, धरा से पहुंचाया बड़ा समुद्र तूने नभ में बनाया, धरा से ले नभ पहुंचाया बड़ा समुद्र तूने नभ में बनाया, मेघ गर्जा कर जल जाया तुझ सा कोई हो।
केवल एक ही है, वो जैसा दूसरा कोई नहीं। ईश्वर तो अपने रूप का वर्णन शब्दों द्वारा वेदों में कर रहा है। आज जनता ने वेद सुनने छोड़ दिए, आज हम उनकी पूजा करते हैं। श्री राम है, श्री कृष्ण महाराज हैं, पर ये तो यज्ञ करते थे, ये तो योग अभ्यास करते थे, ये तो माता पिता गुरुओं की सेवा करते थे। हम इनकी पुजारी होकर के यज्ञ नहीं करते, माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करते, तो ये दोष हम पर आता है, पाप है ये। अगला मंत्र बोलो, कौन सा मंत्र था?